पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद की बैठक 23 फरवरी को आयोजित की गई, जिसमें पिछड़ा वर्ग के उत्थान से संबंधित प्रदेश सरकारों के निर्देश के परिपालन में आ रही रुकावट के समाधान पर चर्चा की गई। साथ ही वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जीपी माली ने बताया कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद पिछड़ा वर्ग के हितार्थ सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर पहलुओं पर काम कर रही है। यह संगठन राजनीति से भिन्न है। यह संगठन अराजनीतिक संगठन है और पिछड़ा वर्ग के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम करता है। पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद की चिंतन बैठक में ओबीसी जन जागरण के प्रमुख बहादुर सिंह लोधी, जगदीश सैनी उज्जैन आ रहे हैं। बैठक में प्रमुख रूप से विभा पटेल, राजेंद्र भारती, सीएस यादव, प्रकाश मालवीय, सांखला विक्रम सिंह पटेल, आरत विशाल पांचाल सहित अनेक पिछड़े वर्ग के सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण बैठक में शामिल होंगे और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाएंगे। ये पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के तत्वावधान में आज उज्जैन संभाग की चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें पिछड़े वर्ग की लगभग 100 जातियों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नयन के लिए क्या रूपरेखा तय की जाए और क्या इस समाज के उन्नयन के लिए और क्या प्रयास किए जाए, इसको लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि करीब 25-30 समाजों के जो लीडिंग पदाधिकारी वे उपस्थित रहे, के द्वारा इस बैठक में मंथन किया गया। इसी तरह के और भी जो चिंतन शिविर अन्य संभागों में भी आयोजित किए जाएंगे, जो अगले 2-3 महीने में होंगे।